अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछली वीडियो में इनपुट के ऊपर बात की थी कि इनपुट क्या चीज़ होती है या किस किस तरीक़ों से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ होती है। एन इनपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करवाने के लिए जो जो हार्डवेयर कॉम्पोनेंट यूज़ होते हैं, हम लोग उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस टेक द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र and convert it in the form that is understandable by the computer. ये input devices करती क्या हैं जी? ये user से data और instructions लेती हैं और उसको इस form में convert कर देती हैं जिसको computer understand कर सके और फिर computer के अंदर enter करवा देती हैं। There are three general type of input devices. तीन किस्म की हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जिनमें फर्स्ट तौर पे जो नॉर्मली यूज़ होती है वो कीबोर्ड होती है। कीबोर्ड एक मेजर यूज़ होने वाली एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर फर्दर काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हैं, इनके सारे कॉम्बिनेशंस को या कलेक्शन को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं हमारे पास इनपुट करवाने के लिए, वो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो ये तीन किस्म की इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें हमारी वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारी न्यू वीडियोस जितनी भी आएँ आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।